यार क्या आप भी सोचते हैं कि आइसक्रीम खाने से हमारी हेल्थ खराब होती है? और ब्रो शायद आप ये भी सोचते हो कि हनी यानी कि शहद एक नेचुरल शुगर है। अगर यार आप ऐसा सोचते हैं ना तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, बल्कि ये आपके मन में बनी हुई पिछले कई सालों की मिथ है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को सात ऐसी गजब की मिथ बताने वाला हूँ जो आपको पूरी तरह से सच्चाई से दूर रखती है। गाइस नंबर एक पर आता है, यू यूज 10% ऑफ योर ब्रेन। शायद आप सभी ने ऐसा कई बार सुना होगा कि हे यार आप सभी ना अपने दिमाग का 10% यूज करते हैं। और कई साइंटिफिक स्टडीज और कई जगह आपने पढ़ा होगा कि हम सभी इंसान ना अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही यूज करते हैं। मगर ब्रो जर्मन सर्वे और साइंटिस्ट का मानना है कि ये बात पूरी तरह से गलत है और सभी इंसान अपने दिमाग का लगभग 90% तक यूज करते हैं। यार असल में हमारे दिमाग के 10% हिस्से के लिए हमारी पूरी सोच और पूरी बॉडी को कंट्रोल कर पाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। यार नंबर दो पर आता है, ईटिंग एट नाइट यू गेन फैट। यार ब्रेकफास्ट और लंच तक तो ना आप सभी की सोच और माइंड एकदम ठीक रहता है और आप बिना किसी फिक्र के ना खाना खाते हो, मगर यार इसके बाद असली बात तो आती है शाम को यानी कि रात को डिनर की। क्योंकि यार बहुत सारे लोगों की ना ये सोच है कि रात को ज्यादा खाना खाने से हमें फैट यानी कि हम मोटे होते हैं, लेकिन 13 बड़े सर्वे के बाद ये बात सामने आई है कि रात को ज्यादा डिनर करने से फैट बढ़ने का कोई भी लिंक नहीं है। तो यार आज से ये बात सोचना तो बिल्कुल बंद करो और जितना दिल करे ना उतना डिनर करो। यार नंबर तीन पर आता है, हनी इज नेचुरल शुगर। आप सभी और यार मैं भी अभी तक तो समझता था कि हनी यानी कि शहद एक पूरी तरह से नेचुरल शुगर है, मगर यार ये बात पूरी तरह से झूठ है। हाल ही में हुई स्टडीज में ये बात पता चली है कि शहद असली शुगर से हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। गाइस एक स्पून हनी में 64 कैलोरी होती है और यार वहीं पर अगर बात करें तो एक स्पून शुगर में सिर्फ 49 कैलोरीज होती हैं। तो यार अब आप खुद ही सोच सकते हो कि कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा बेटर है और कौन सी बैड है। 3 बड़ी साइंटिफिक स्टडीज के बाद ये बात सामने आई है कि हर रोज हनी खाने से आपको हार्ट प्रॉब्लम और शुगर बढ़ने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो गाइस नंबर 4 पर आता है, यू कैन कैच कोल्ड बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर। यार ऐसा तो आप सोचते होंगे, ये बात तो मैं पूरी तरह से जानता हूँ, मगर हमारे साइंटिस्ट का ना ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। आप सब सोचते होंगे कि सर्दियों में आपको कोल्ड इसलिए होता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा ठंड के चलते आपको ठंड लगती है। हालांकि साइंस भी ये बात तो मानती है कि हर इंसान को गर्मी के मुकाबले सर्दी में ज्यादा कोल्ड होता है, मगर स्टडीज में पता चला है कि ये कोल्ड आपको वेदर के चलते नहीं बल्कि वायरस के चलते होता है। असल में सर्दी के समय आप एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठे रहते हैं और यार इसीलिए वायरसेस के लिए आपकी बॉडी पर अटैक करना काफी ज्यादा इजी होता है। लेकिन वहीं समर और स्प्रिंग के सीजन में आप नेचर की ब्यूटी को देखने के लिए काफी ज्यादा जगह पर रहते हैं और इसीलिए वायरस का अटैक होने का रिस्क भी आपके ऊपर काफी कम रहता है। और यार साथ ही आपने अपने पेरेंट्स को कहते हुए भी कई बार सुना होगा कि ठंड के मौसम में ना आइसक्रीम खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि इसके चलते भी आपको कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यार यहाँ पर भी वही बात है, ये बात भी बिल्कुल सच नहीं है क्योंकि कोल्ड होने की यहाँ पर वजह भी सिर्फ वायरस है। गाइस नंबर 5 पर आता है, मिल्क इज गुड फॉर यू। ये बात तो सभी मानते हैं कि मिल्क यानी कि दूध हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है और इसके चलते ही हमारी बोन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हैं। मगर हमें थैंक्स कहना चाहिए रिसेंट स्टडीज करने वाली हार्वर्ड नर्सेस को, जिनका मानना है कि इस बात में जरा भी सच्चाई नहीं है और उन्होंने इस बात को पूरी तरह से प्रूव भी किया है। उनकी स्टडीज में ये बात सामने आई है कि मिल्क यानी दूध का हमारी बोन्स और कैल्शियम से कोई भी नाता नहीं है। गाइस नंबर 6 पर आता है, चॉकलेट कैन गिव यू एक्नी। और यार ये पॉइंट तो ना स्पेशली गर्ल्स के लिए है। यहाँ पर साइंटिस्ट का मानना है कि एक्नी चॉकलेट खाने से नहीं बल्कि आपको वैसे भी हो सकती है। रिसर्चेस का मानना है कि चॉकलेट खाने से आपका ब्रेन और आपका माइंड काफी ज्यादा फ्रेश रहता है। तो यार आज से ही ना ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो कि चॉकलेट खाने से ना
आपको एक्ने की प्रॉब्लम होगी। 11 नंबर 7 पर आता है 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज इनफ फॉर ह्यूमंस। गाइस ये बात तो ना आपने पहले कई बार सुनी होगी कि 6 घंटे की नींद यानी कि 6 घंटे की स्लीप ही आपकी हेल्थ को बहुत ही ज्यादा फ्रेश रखने के लिए काफी है। मगर ब्रो ये भी एक बहुत ही खराब मिथ है और इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। साइंटिस्ट का मानना है कि एक नॉर्मल इंसान को हर एक 24 घंटे के अंदर 8 घंटे की नींद लेना बेहद ही जरूरी है। तो यार अगर आप भी रात को लेट नाइट तक यार बहुत कुछ करते हो ना तो फिर सुबह थोड़ा लेट उठो, क्योंकि 8 घंटे की स्लीप लेना तो आपके लिए जरूरी है। तो चलो यार ये थी वो 7 मिथ जो आपके लिए जाननी बेहद ही जरूरी थी। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई के चैनल को ना सब्सक्राइब करने के साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना।